झोपड़ियां बनाने का काम कर रहे हैं। बेटा पहला दादे करते सी, उस तो बाद हम असीं शुरू हो गए। घट तो घट सानू 50-60 साल हो गए ये टोकरे बनाने वाला काम करते। पहला इदा कट के लिया हैं, वेखो आ इस तरह तैयार होंगे। वेखो आ छोटिया जड़िया थले वाली आ जी उपर आनी है टोकरी दे वी है ए तैयार होनी है ए जी छोटिया ये थला बनना आ फिर उपर आनी है। चलो टोकरे को बनाने के लिए शाखे और टहनियां साफ हो चुकी हैं। अब हम देखेंगे कि टोकरा कैसे बना है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि कैसे टोकरा बना। ये आप कितनी देर में तैयार कर लेंगे? बेटा 15-20 मिनट के बीच 15-20 मिनट में तैयार हो जाएगा।
ये जो आप बना रहे हैं इसकी कीमत कितनी है? इसकी कीमत है 300-350 है। ये फ्रूट वाला है। आप एक दिन में कितनी टोकरियां बेच लेते हैं? बेटा गाहक लगे दी गल जे तो आ जान गाहक 5-6 टोकरियां दिहाड़ी लगे। तो आपको कितने पैसे मिलते हैं फिर? अद्ध जेड़ा ना अद्ध बच जाता, यानी कि 350 दी आ पौने 200 रुपया एक टोकरी का बचता आ जाता। इसके ऊपर आपका खर्च क्या होता है? इसके ऊपर आप दरख्त खड़े हैं ना, असं बाग लेने हैं, स्कूल लेने, स्कूल आम स्कूल लेने हैं, अपने गांशकर स्कूल है इतने आरफाड़े च, डंगर हस्पताल जरा गांशकर स्कूल है, असं लेने 12,000-45-47 बूटे है। जोड़ा हस्पताल से इतने सरकारी वो है मेरा ख्याल 20-25 बूटे, वो असं 5,000 के लेने, वो इस तरह करके कट्ठे करके ले आने हैं, फिर तैयार करके थे। जिन्हें तूत खड़े ना अस्पतालों के बेच स्कूल खड़े असं लेने ठेका, फिर वो असं छंगाई करते हैं, छंगाई करा के फिर असं रेहड़िया ट्रालिया से लद के इतने ले आने। क्या ये हुनर आप अपने बच्चों को भी सिखाएंगे? बेटा इस वक्त कोई इरादा नहीं इन्हों सिखाने का, अंदर ये बहुत मेहनत वाला काम, बहुत मेहनत वाला काम आ। एक छिटी है ना जी, एक 7 बारी हाथ में लंघती है तो फिर नग बनता। पहला मेरा दादा बनाउंदा सी, फिर मेरा वालद बनाउण लग पिया, फिर मैं बनाउण लग पिया जी, और गांह हुण बच्चे अगों जिहड़े ना उह कम दे नेड़ ना असीं लिआउणा चाहुंदे आ ते ना आउंदे ही आ। काम तो सिंपल सा है, एक छड़ी ऊपर से एक छड़ी नीचे से, लेकिन करने में है बहुत मुश्किल। तकरीबन बिल्कुल कंप्लीट है और अब ये डिस्प्ले पे लग जाएगा।